इंट्रोडक्शन तो बायोलॉजी का हमें मिल गया अब चलते हैं डिवीजनस एंड ब्रांचेस की तरफ बायोलॉजी की हमारे पास तीन मेन हैं बायोलॉजी के फर्स्ट है जूलॉजी सेकेंड है बॉटनी और थर्ड है माइक्रोबायोलॉजी। जूलॉजी में क्या होता है ये एक ग्रीक वर्ड है जो कि ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ एनिमल्स फिर आता है बॉटनी बॉटनी इज़ ऑल्सो टेकन फ्राम ग्रीक लैंग्वेज और इसका मतलब होता है इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। बॉटनी मेनली प्लांट्स की स्टडी को बोलते हैं फिर थर्ड डिवीजन uh, है माइक्रोबायोलॉजी ये जो है इसमें हम उन ऑर्गेनिज़म्स की स्टडी करते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं और उनको नेकेडाइज से नहीं देखा जा सकता तो हम यूज़ करते हैं एक स्पेशल इक्विपमेंट जिसका नाम होता है माइक्रोस्कोप बैक्टीरिया इज़ वन ऑफ द एग्ज़ाम्पल्स ऑफ सच ऑर्गेनिज़म्स अब चलते हैं बायोलॉजी की ब्रांचेस की तरफ साइंस की रिसर्च ट्वेंटी सेंचुरी में इतनी एडवांस हो चुकी थी कि बहुत सारी ब्रांचेस बायोलॉजी की डिस्कवर हो गई जैसे कि मोरफॉलोजी एनाटॉमी सेल बायोलॉजी हिस्टोलॉजी फिजियोलॉजी टेक्सोनोमी जेनेटिक्स डेवलपमेंटल बायोलॉजी फार्मेकोलॉजी मोलिक्योलर बायोलॉजी इन्वायमेंटल बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी सोशियो बायोलॉजी पैरासिटोलॉजी पैलियटोलॉजी ये सब एग्जाम्पल्स हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की सबसे पहली एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं मोरफोलॉजी ये एक ग्रीक वर्ड है इसको ग्रीक लैंग्वेज से डराइव किया गया है जिसका मतलब है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ सच एज एनिमल्स एंड प्लांट्स जिसे हम ये कह सकते हैं कि वो इल्म जो अशकाल और औज़ा के बारे में बताता है कि तमाम ऑर्गेनिज़म्स किस तरह की शक्ल रखते हैं और क्या साख रखते हैं फिर चलते हैं एनाटॉमी की तरफ ये भी एक ग्रीक वर्ड है ग्रीक लैंग्वेज से ड्राइव किया गया है वर्ड एनाटॉमी का मतलब है कट ओपन तो एनाटॉमी को कहते हैं स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय कटिंग देम ओपन फिर आती है सेल बायोलॉजी ऑर्गेनिजल ऑर्गन ऑर्गेनल और सेल की स्टडी को कहते हैं सेल बायोलॉजी हिस्टोलॉजी का मतलब भी ग्रीक uh, वर्ड से ही है रिलेटेड ग्रीक वर्ड से ही ड्राइव किया गया है और ग्रीक वर्ड है ये भी हिस्टोलॉजी का भी इस स्टडी को, को कहते हैं टिश्यूज़ के स्ट्रक्चर्स की और प्लांट्स और एनिमल्स में जो टिश्यूज़ होते हैं उनकी स्टडी को हिस्टोलॉजी कहते हैं फिर आती है हमारे पास फ़िजियोलॉजी फिजियोलॉजी भी एक ग्रीक वर्ड ही है और ये वो स्टडी है अबाउट हाउ लिविंग ऑर्गेनिज़म्स फंक्शनस किस तरीके से कोई भी एक लिविंग थिंग फंक्शन करता है उस स्टडी को बोलते हैं फिजियोलॉजी अब चलते हैं टेक्सोनी की तरफ ये भी एक ग्रीक वर्ड है और ये उस स्टडी को कहते हैं जो कि रूल्स प्रिंसिपल्स और ग्रुपिंग और नेमिंग की होती है जो हम देते हैं लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को मतलब कोई भी स्पेसिफ़िक नेम और प्रिंसिपल्स और रूल्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रोवाइड करते हैं मतलब साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्लासीफाइंग ग्रोप्स ऑफ ऑर्गेनिज़म्स मतलब वो किस तरीके से क्लासीफाई होते करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस तरीके से एक किसी ग्रुप में या किसी भी तरीके से क्लासिफाई करने की स्टडी को बोलते हैं टेक्सोनमी फिर चलते हैं जेनेटिक्स की तरफ ये भी एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब है कि वो स्टडी जिसमें पेरेंट्स अपने जीन्स ट्रांसफ़र करते हैं ऑन टू देअर चिल्ड्रन और ऑफ़ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग को कहते हैं एग्जाम्पल के तौर पर वो आदात जो आपको आप यूनिक बनाती हैं आपके ख़ानदानी नसब हसब के मुताबिक आदात मतलब ट्रैट्स फिर आती है हमारे पास डेवलपमेंटल बायोलॉजी ये भी एक ग्रीक वर्ड है जिसमें हम फॉर्मेशन के बारे में स्टडी करते हैं एक न्यू लाइफ की सच एज एम्ब्रियो फिर आती है इन्वायमेंटल बायोलॉजी मतलब कि वो स्टडी जो लिंक बताए लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग फैक्टर्स के दरमियान में और उनका ओवरऑल इफेक्ट ऑन ईच अदर फिर पैलेंटॉलोजी ग्रीक वर्ड है ये भी और इसका मतलब है एनशियनट मतलब कि वो स्टडी जिसमें पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ के बारे में पता लगाया जा सके थ्रू द हेल्प ऑफ फॉसल्स फिर आती है बायोटेक्नोलॉजी मतलब की स्टडी टू अटेन चेंज और इम्प्रोवाइजेशन बाय ब्रिंगिंग चेंजेस इनटू जीन्स इम्प्रोवाइजेशन मतलब कोई भी चेंज जीन्स में लाना जिसे हमें अपनी पसंद की कोई भी कैरेक्टरिस्टिक मिल जाए फिर चलते हैं सोशो बायोलॉजी की तरफ इस स्टडी को कहते हैं जो कि सोशल बिहेवियर ऑफ़ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन करती है मतलब कि वो आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं और बिहेव करते हैं पैरासिटोलॉजी स्टडी ऑफ पैरासाइट वो ऑर्गेनिजम्स जो कि किसी और ऑर्गेनिज्म में रह के रहते हैं और अपने न्यूट्रिएंट्स ऑप्टेन करते हैं और होस्ट ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाते हैं मतलब इतना भी नुकसान पहुंचा सकते हैं कि इवेंचुअली उस होस्ट ऑर्गेनिज्म की डेथ भी हो सकती है फिर आती है फार्माकोलॉजी इस ये सिंपल एक ड्रग्स की स्टडी है फिर मॉलिकुलर बायोलॉजी आती है मतलब कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स के होते हैं एग्जांपल प्रोटीन्स न्यूक्लिक एसिड्स ये मॉलिक्यूल्स ज़रूरी होते हैं लाइफ के लिए मतलब एक इंसानी ज़िंदगी के लिए ये मॉलिक्यूल्स बहुत ही एजेंशियल होते हैं